अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ दही बड़े, मीठे दही बड़े। इसे दही भले भी कहा जाता है। ये बिल्कुल बाहर की तरह के बनते हैं स्ट्रीट स्टाइल में, तो आप इसे ना घर में ट्राई कीजिएगा। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बड़े बनाने के लिए जो सबसे पहले मैंने यहाँ फुल्कियाँ बनाई हैं। फुल्की बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें 1 कप बेसन, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च। सबसे पहले एक बोल में मैं बेसन डाल रही हूँ 1 कप जितना। अब इसमें डालूँगी कुटी मिर्च, हल्दी 1/2 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर। अब इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे पानी ऐड करके हमें इतना इसे मिक्स करना है, इतना फेंटना है इसे अच्छी तरह से। इसे थिक रखना है, इसे पतला नहीं करना ज़्यादा। इसे बस इसे बिल्कुल इसी तरह से थिक कर लेना है। अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है और उसमें 1 कप के बराबर मैंने ऑयल डाला है। और यहाँ मैंने जो बेसन का बैटर तैयार किया था उसको मैंने और चमचे की मदद से इस तरह से डाल दिया है। लो फ्लेम में तकरीबन हमें 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें इसे निकाल लेना है। अब हमने एक बाउल में पानी डालकर इसमें हमने सारे बेसन की फुल्कियाँ डाल दी हैं। 2 मिनट के बाद हमें बेसन की फुल्कियों को इस तरह से दबाकर इसका पानी निकाल लेना है, इस तरह से जैसे मैंने किया है इसमें। मीठी चटनी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, 1 कप इमली जिसको मैंने भिगो दी थी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच कुटी मिर्च, 1 कप चीनी, 1 टीस्पून पिसा जीरा और 1/2 टीस्पून नमक। सबसे पहले मैंने इमली के पल्प को अलहदा कर लिया था और इसको इस तरह से सॉस पैन में डाल दिया है। डालने के बाद मैंने चीनी ऐड की है इसमें 1/2 कप जितनी। इमली और चीनी की क्वांटिटी एक बराबर होगी। इसके बाद मैंने इसमें डाला है कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है और 1 टीस्पून पिसा ज़ीरा और 1/2 टीस्पून नमक। इन सब को डालने के बाद इसे मिक्स कर लेना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाना है। इसे इतना पकाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जानी चाहिए। फिर इसे हमें निकाल लेना है एक बाउल में। अब दही बड़े बनाने के लिए हमने लिए दही 1/2 kg और ये जो फुल्कियाँ हमने बनाई थी, 1/2 कप दूध लिया है इसमें, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/3 कप चीनी और 5 टेबलस्पून मैंने लिया यहाँ पे क्रीम। और ये हमारी जो चटनी बनाई थी मीठी। अब मैं 1/2 kg मैंने बाउल में दही डाल दिया है और इसके बाद इसमें मैं चीनी भी डाल दूँगी और इन दोनों को एक साथ इसे बीट कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि इसके जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक, इसके बाद क्रीम डाल दी है मैंने। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। दही को पतला करने के लिए मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर दिया है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट दे देंगे ताकि जितनी चीनी वगैरह वो सारी डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में सारी फुल्कियाँ डाल दी हैं। फुल्कियाँ डालने के बाद 5 मिनट के बाद मैंने इसमें दही जो है इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद इस पर जो है चाट मसाला मैंने डाला है ऊपर से और ये मीठी चटनी जो मैंने बनाई थी वो डाल दी है। इस तरह से कर लेंगे। ये बनकर तैयार हो चुके हैं। आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसे ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं, मीठे मीठे, और इसे ठंडा करके खाइएगा तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, बिल्कुल बाहर जैसे बनते हैं। तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।